हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1.28 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 और चैप्टर का नेम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सो यहाँ हमारे पास चार सैंपल्स दिए हुए हैं और इसमें से हमें फाइंड करना है कि किस सैंपल में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमें वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो मास के फॉर्म में है, ग्राम्स में है, इट मीन्स मास के फॉर्म में है। यहाँ से हमें क्या करना है, मास से हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। जब हमारे पास वैल्यूज़ मोल्स में आ जाएंगी तो उसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। तो अब जब हमारे पास मोल्स में है तो मोल्स से हमें पता है हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे यहीं से, और जब हमारे पास चारों ही सैंपल्स के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे फिर हम कंपेयर करेंगे कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना है और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना है। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। सो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है, मोलर मास कुछ चीज़ों का हमें लर्न होता है और नहीं तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, उसको लर्न करते चलिए। अब दूसरी चीज़ आती है, यहाँ से मोल्स मिल गए, अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ये हमें मिलेगा, फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू एन ए। यहाँ पर एन ए क्या है, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर और इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10³। सो यही दोनों फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और चारों सैंपल्स के हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है 1 ग्राम ऑफ AU, AU मीन्स गोल्ड। सो AU का मोलर मास होता है 197। तो यहाँ से मोल्स निकाल लें, मास है 1 ग्राम, मोलर मास है 197, तो मास अपॉन मोलर मास हो गया, ये हमारा मोल्स आ गया। अब इसी से हम यूज़ करके हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, ये हमारा हो जाएगा 1/197 मल्टीप्लाइड बाय एन ए, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, Na/197, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसी तरह सेकेंड वाला भी करेंगे, 1 ग्राम सोडियम, मोलर मास सोडियम का है 23। अब यहाँ से मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास है 1 ग्राम जो कि गिवन है, मोलर मास है 23, ये हमारा गया नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ से एटम्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1/23 × Na। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, Na/23। थर्ड वन देख लेते हैं, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, लिथियम का मोलर मास होता है 7। अब मोल्स निकालिए, मोल्स इज इक्वल टू मास जो कि 1 ग्राम है, मोलर मास है 7। अब यहाँ से एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सो फाइनल आंसर क्या आ जाता है, Na/7। इसी तरह फोर्थ वन भी करना है, फोर्थ वन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पर 1 ग्राम क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो इट मींस हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फिर, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले क्लोरीन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 71, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा हमारा 71, करेक्ट। अब यहाँ से हम क्योंकि हमें मोलर मास पता चल गया है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोल्स हो जाएंगे हमारे 1/71। अब यहाँ से नंबर ऑफ हमें एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो वही बताया मैंने, जैसे कि
one molecule Cl2 is having two Cl. It means one molecule of chlorine contains two atoms of chlorine. तो जब हमने मॉलिक्यूलर मास से निकाला हुआ है तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं एटम्स की जगह. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो जाएगा हमारा 1/71 मल्टीप्लाइड बाई एन ए, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं. अब क्योंकि हमको एटम्स निकालने हैं तो हम इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2/71 इंटू एन ए. तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन 35.5. नाउ अब इन चारों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है. ये हमारे हो गए नंबर ऑफ एटम्स. हमें जानना है कि विच सैम्पल हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. सो हम देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से कि सारे के सारे न्यूमरेटर सेम हैं, सब एवोकैड्रो नंबर हैं. इट मींस जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे. तो आंसर उसमें ज़्यादा आएगा जहाँ पर डिनोमिनेटर लीस्ट है. तो यहाँ पर इन चारों में देखने पे हमें लग रहा है डिनोमिनेटर तो लिथियम में लीस्ट है, यहाँ पर 7 है. तो जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा हमारा आंसर आएगा, इट मीन्स उतने लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आएंगे. तो यहाँ से हम कह सकते हैं लिथियम इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. सो लिथियम इज हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का. तो आपने देखा कि इस न्यूमेरिकल में कोई भी बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं थी, तो न्यूमेरिकल देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे. टिल देन थैंक यू.